मध्य प्रदेश के मंदसौर में पीड़ित बच्ची की हालत अब बेहतर है और डॉक्टर्स की माने तो 8 साल की मासूम बेटी जल्द ही ठीक हो जाएगी, लेकिन इस मासूम को इंसाफ कब मिलेगा इसका इंतजार न सिर्फ पीड़ित और उसके परिवार बल्कि पूरा देश कर रहा है। मासूम बच्चियों से रेप पर देश में भले ही सख्त कानून बन गया, लेकिन ना तो हालात बदले हैं और ना ही इस पर होने वाली सियासत। एक तरफ रेप को जाति और धर्म के चश्मे से देखने वाले हैं, तो दूसरी तरफ रेप टूरिज्म करने वाले नेताओं की भी कमी नहीं है। मंदसौर रेप मामले में असंवेदनशील बयान देने वाले बीजेपी विधायक सुदर्शन गुप्ता ने अपने बयान पर दुख तो जताया, लेकिन माफी नहीं मांगी, बल्कि सफाई जरूर दी कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। मंदसौर में बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म से हम सब दुखी और व्यथित हैं। एमवाय अस्पताल में मेरी बात को प्रस्तुत करने के दौरान नजरिया बदल दिया गया है। इस पूरे प्रकरण से जुड़ी मेरी किसी भी बात से किसी की भी भावना आहत हुई हो तो मैं गहरा दुख व्यक्त करता हूँ। दरअसल बीजेपी विधायक सुदर्शन गुप्ता और बीजेपी के सांसद सुधीर गुप्ता शुक्रवार को पीड़ित बच्ची से मिलने पहुंचे थे और विधायक की संवेदनशीलता ने उस वक्त दम तोड़ दिया जब वे पीड़ित परिवार से सांसद महोदय को धन्यवाद करने के लिए कहने लगे। गरीब पीड़ित परिवार ने भी इतनी बड़ी वारदात होने के बावजूद विधायक के कहने पर सांसद सुधीर गुप्ता के सामने दोनों हाथ जोड़े और धन्यवाद कहा। सांसद जी और विधायक जी का ये रेप पर्यटन काफी देर तक चलता रहा, कभी हंसते हुए, कभी फोटो खिंचाते हुए वो रेप पीड़ित बच्ची का हालचाल लेते रहे। हालांकि मंदसौर गैंगरेप के दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मामले की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन भी किया गया है, लेकिन इंसाफ के लिए मासूम को कितना इंतजार करना होगा ये कहना फिलहाल मुश्किल है। उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोपियों के लिए फांसी की मांग की। ऐसे दरिंदे रहना नहीं चाहिए इस धरती पर, पाप है, बोझ है, इनका बोझ हटना चाहिए, इनके लिए कानून नहीं है, ये प्रार्थना मैं जरूर करूंगा। दूसरी तरफ कांग्रेस ने मध्य प्रदेश सरकार पर मंदसौर रेप केस में लापरवाही के आरोप लगाए हैं। FIR लॉन्च करने के लिए समय लिया गया, आज भी तहकीकात में विलंब किया जा रहा है, आज मेरी प्रदेश की महिला अपने आप को सुरक्षित नहीं समझती। हैवानियत की शिकार हुई पीड़ित बच्ची मंदसौर के इसी स्कूल में पढ़ती थी। 26 जून की शाम को 5:30 बजे जब स्कूल की छुट्टी हुई तो बच्ची के पिता के पहुंचने में देर हो गई। बच्ची को इरफान नाम का एक युवक बहला फुसला कर अपने साथ ले गया। चली गई स्कूल से, मिली नहीं, 5:30 बजे लेना आया उसके पापा ने, उसके बाद से हम ढूंढ ही रहे हैं उसको, बस मिली नहीं। अगले दिन बच्ची स्कूल से करीब 0.5 किलोमीटर दूर एक सुनसान इलाके में मिली। बच्ची की हालत नाजुक थी, शरीर पर चोट के बहुत से निशान थे और उसका गला रेत कर जान से मारने की भी कोशिश की गई थी। तो आज वो बच्ची हमारे एक आरक्षक को लक्ष्मण दरवाजा के पास जख्मी हालत में मिली है, उसको हमने अस्पताल लाए और जो अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस को ये CCTV वीडियो मिला जिसमें बच्ची एक युवक के साथ जाती हुई दिख रही थी और फिर इसी CCTV वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम इरफान है और वो मजदूरी करता है। बच्ची को मंदसौर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन उसकी हालत इतनी नाजुक थी कि उसे इंदौर रेफर करना पड़ा। इंदौर में बच्ची की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है, लेकिन इससे पहले उसकी 2-2 बार सर्जरी करवानी पड़ी। उसके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, सतत सुधार हो रहा है और उनको जो भी बेस्ट सुविधाएं हो सकती हैं अस्पताल प्रबंधन की तरफ से
सरकार की तरफ से वो सतत हम लोग कर रहे हैं। इस बीच बच्चे के साथ हुई इस हैवानियत के बाद लोगों में गुस्सा है। ये मंदसौर की तस्वीरें जहां लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कुल मिलाकर रेप की इस घटना पर पूरे मध्य प्रदेश में आक्रोश है। आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा देने की मांग तो हो रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि हमारे नेता कभी संवेदनशील होंगे? इंदौर से कन्हैया शुक्ला के साथ मंदसौर से मनीष पुरोहित, जी मीडिया।